आइए दोस्तों आप देख लेते हैं 5 नंबर का नवा सवाल। देखिए नवा सवाल कह रहा है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए, इतना आपको प्रूव्ड करना। क्या करेंगे वही मेथड, सबसे पहले LHS लेंगे उसके बाद RHS। सबसे पहले LHS लो, तो LHS भाई क्या आपका LHS इसको बोलते हैं इधर वाले को, यानी कि कोसेक ए माइनस साइन ए, इधर फिर क्या है सेक ए माइनस कोस ए, समझ में आया। अब देखो आपका फॉर्मूला मैंने बताया था कोसेक ए बराबर फॉर्मूला आता है 1/sin ए, तो इसके बदले में क्या 1/sin ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/sin ए इसके बदले में क्या, क्योंकि फॉर्मूला होता है, फिर इधर माइनस साइन है इसको ऐसा ही ले रहने दो। फिर उसी तरह सेक ए का फॉर्मूला आता है 1/cos ए, 1/cos ए माइनस कोसे को ऐसा ही रहने दो। अब क्या करें, नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, एक दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम दिए थोड़ा सजाने के लिए अच्छा लगता है। अब साइन ए और वन ए का एलसीएम लो तो क्या होगा भाई, साइन ए और वन का एलसीएम लो तो क्या होगा, साइन ए ही होगा, साइन ए गुणा साइन ए साइन ए होगा, तो साइन ए हो जाएगा। अब देखो साइन ए में साइन से भाग दो एक, एक गुणा एक, एक एक में साइन से भाग दो साइन ए, साइन ए गुणा साइन ए साइन स्क्वायर। देखो ये मैं एलसीएम जो आपको बता रहा हूँ, आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा कि साइन ए में साइन से भाग देगा एक होगा, एक में साइन से भाग दो साइन होगा, ऐसे आपको भाग तक कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मास्टर को पता होगा तो ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं जानता हूँ आपको थोड़ा दिक्कत है मैथ में, काफ़ी कमजोर है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें भी देखिए इसमें भी नहीं तो कुछ नीचे वन है, कॉस ए और वन का लघुत्तम क्या हो कॉस ए ही होगा, ठीक है। फिर कॉस ए में कॉस ए भाग दो एक, एक गुना एक, फिर एक से कॉस ए भाग दो कॉस ए, और फिर कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो 1 - sin² फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना भाई sin² a + cos² बराबर 1 होता है ना, तो क्या करें 1 - sin² है ना, तो इस कॉस स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को उधर फेंक देते हैं, तो क्या 1 - sin² हो जाएगा, और इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 - sin² के बदले में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो 1 - sin² क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और नीचे बटे साइन है तो है ही। अब नीचे गुना, गुना क्यों, क्योंकि ब्रैकेट, ब्रैकेट जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना जाएगा, हमेशा रखना जब ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह चलता है। अब देखो 1 - cos² वही दोस्तों, अब कॉस स्क्वायर को उधर फेंको तो माइनस होगा, तो 1 - cos² क्या होगा साइन स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला मैंने कराया हुआ, ठीक है, मैं झूठे के बता रहा हूँ आपको, ऐसे बता दे आपको ये फॉर्मूला, जिन्होंने फॉर्मूला नहीं देखा ऐसा पता नहीं है, तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद करना जरूरी है। मैंने शुरू में ही कहा जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तब तक त्रिकोणमिति का एक भी सवाल आपसे हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने पूरा फॉर्मूला ही डाल दिया है गणित का, जाके जरूर देखो। चलो और नीचे क्या है, नीचे कॉस ए है। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए गुना कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे फिर क्या है साइन है, कहीं कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर ही होगा, फिर गुने साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन ए गुना साइन ए, नीचे फिर क्या कॉस। अब देखो कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया, तो क्या बचा ऊपर, क्या बचा कॉस ए गुना साइन ए। अब देखो क्या पूरा, ये तो नहीं पूरा भाई हमारा, ये तो नहीं पूरा, अब क्या करेंगे इसको यहीं पर छोड़ देंगे, यानी कि LHS हमारा इतना निकल गया। अब तो ये तो भाई पूरा नहीं, हमें ये पूरा ना, इतना बराबर ना होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ के अगर इतना आ गया तो समझो ये दोनों क्या बराबर है। चलो भाई इसको भी तोड़ देते हैं, क्या हम इसको भी तोड़ देते हैं, चलो भाई इसको भी हम तोड़ देते हैं। अब ये क्या आपका, ये आपका 1/10 a + cot a है ना। अब देखो 1/10 a को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, फिर कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम लो, फिर ऊपर पर एक लिखो, फिर नीचे एलसीएम लो, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या, देखो अलग अलग है, एलसीएम लेने का तरीका जब अलग अलग है तो तब उसको सटा के लिख दो, तो कॉस ए साइन ए को सटा के लिख दो, क्या ही लगता है। अब देखो कॉस ए में कॉस ए से भाग दे खत्म, तो क्या बचेगा साइन ए, साइन और साइन ए, साइन और साइन साइन स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस दो, फिर साइन ए में साइन से भाग दो साइन साइन खत्म, तो कॉस और कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर। अब देखो 1/ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1/1, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो एक मेथड यहाँ पर क्या अप्लाई होगा वो शायद आपको पता होगा, कई सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। देखिए अगर आपका x/y/z रहे तो हम इसको कैसे करोगे, इस जड को ऊपर फेंक दोगे, क्या दोस्तों एक्स को ऐसे ही रहने दोगे, ये एक्स जो है ऐसे ही रहने देगा और ये वाई भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन जड जो है जड ऊपर चला जाएगा, तो ये जड जो नीचे क्या है ऊपर चला जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या भाई तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 पहले से 1 गुना ऊपर चला जाएगा ना कॉस ए इंटू
साइन है, और ये तो ऐसे ही रहेगा, एक एक कट गया, क्या बचा कोस इनटू साइन है, कोस इनटू साइन है। देखो इससे भी हमारा कोस इनटू साइन निकला और इसको भी जब तोड़े तो कोस इनटू साइन निकला, यानी कि दोनों हमारा पूर गया। इसे लिख सकते हैं आप, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव्ड आ गया। अब चलते हैं लास्ट सवाल, वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। ये दोस्तों आप देख लेते हैं पांच का सवाल नंबर दस। देखिए सवाल नंबर दस आपका क्या कह रहा है, कह रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर है बटे बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर है बटे वन माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर टेन स्क्वायर है। इतना मतलब कि कह रहा है तीनों बराबर है, क्या दोस्तों तीनों बराबर है। तो जब तीनों बराबर है मतलब कह रहा है इससे इसको पूरा फिर इससे इसको पूरा, मतलब सवाल ही आपका कह रहा है। देखिए आपका सवाल कह रहा है यहाँ पर वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब वाम पक्ष बोले तो एल एच एस को वाम पक्ष बोलते हैं और दायां पक्ष किसको बोलते हैं आर एच एस को बोलते हैं। देखिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं एल एच एस, भाई चलो लिख लेते हैं हम एल एच एस क्या होगा वन प्लस टेन स्क्वायर है बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंपल फॉर्मूला होता है, ये सवाल तो बिल्कुल हलवा है। वन प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, ठीक है फॉर्मूला आप देखिए जाके पहले। तो सेक स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, क्या होता है कोसेक स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं वन बाय कोस, फिर कोसेक को क्या लिख सकते हैं वन बाय साइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, वही बात ये दोनों तो सेम रहेगा और ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो क्या होगा वन बाय कोस स्क्वायर ये ऊपर जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर और एक ये नीचे आएगा, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा यानी कि टेन स्क्वायर, यानी कि इससे ये पुट गया। अब इससे भी तो पुरना चाहिए, चलो तो इससे पूरा होते हैं, इससे देखो क्या है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉट स्क्वायर, इससे भी हमको इतना पुराना, ठीक है देखिए कैसे पुराएंगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो चीज उसको वैसा ही लिख दो, अब क्या करेंगे वन माइनस, अब देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का दोस्तों फॉर्मूला होता है वन बाय टेन, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय टेन, तो कॉट स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं वन बाय टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि बराबर होता है। अब क्या करेंगे, नहीं तो नीचे कुछ एच है एक है तो क्या एलसीएम लेंगे लघुत्तम लेंगे इसका, चलो ऊपर तो जो चीज वैसे ही लिख दो वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन, अब देखो एक और टेन स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा भाई टेन स्क्वायर ए ही आएगा, अब देखो एक से इसको भाग दो इतना ही होगा फिर इतना गुना वन तो टेन स्क्वायर ए ही होगा, माइनस और माइनस दो फिर टेन स्क्वायर में टेन स्क्वायर से भाग दो एक बार एक गुना एक। अब देखो अब वही वाली बात, क्या बात मैंने क्या बताया आपको, अगर एक्स बटे वाई बटे जेड रहे तो क्या करना भाई इस जेड के ऊपर भेज दो ये दोनों सेम ही रहेगा, खाली नीचे वाला चेंज होगा और ये दोनों सेम ही रहेगा। तो वही दिख रहा है आपको एक दो तीन तीन दिख रहा है, क्या करेंगे ये दोनों तो सेम ही रहेगा लेकिन ये क्या चलेगा ये ऊपर चला जाएगा कूद के, तो कुदा दो भाई इसको ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर जिसको इसे सेम लिख दो वन माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन फिर क्या है टेन स्क्वायर माइनस ए है ना ए है ना भाई टेन स्क्वायर है क्या ऊपर फेंक दो, समझ आया आप सबको। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हमको क्या पुराना है हमको पुराना दोस्तों टेन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर है और यहाँ टेन स्क्वायर ए माइनस वन है, कुछ मिलता जुलता है कुछ मिलता जुलता दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है यहाँ देखिए टेन स्क्वायर में माइनस है लेकिन नीचे वाले में एक में माइनस है, तो क्या ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई ऊपर माइनस कॉमन ले लो, जब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, सीधी सी बात है जो भाई प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने का यही मतलब। जैसे मैं मान चलो माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ चार एक्स माइनस पाँच है, चलो मैं माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, तो जो चार एक्स क्या है नहीं तो कुछ प्लस है प्लस छिपा रहता है तो नहीं कुछ प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यह माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है जो प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा कौन एक क्या एक प्लस में तो एक माइनस में हो जाएगा, अब टेन स्क्वायर क्या माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, आए समझ में। उसके बाद देखो हाँ ऊपर फिर नीचे तो वही होगा भाई नीचे तो टेन स्क्वायर माइनस वन हो गया ऊपर नीचे टेन स्क्वायर हाई, अब देखो ये तो कट गया नहीं कट गया टेन स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर माइनस वन कट गया, इधर क्या बचा टेन स्क्वायर पूरा गया ना, हम इससे भी आपको पूरा दिए
और हम इससे भी आपको पूरा दिए, यानी कि आपका पूरा। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न वाले 8.4 द फिनिश, द प्रश्न वाले 8.4 आपका क्या होता है, खत्म होता है, क्या होता है, खत्म होता है। अब हम आप हमें कमेंट बताइएगा, कम से कम उस पर कम से कम 20 कमेंट होना चाहिए। कितना दोस्तों, 20 कमेंट होना चाहिए, 20 कमेंट, कितना, 20 कमेंट सिर्फ इस पर होना चाहिए, एक टॉपिक पर। अब 20 कमेंट आप हमें बताइए आप क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, फिजिक्स पढ़ना चाहेंगे, बायोलॉजी पढ़ना चाहेंगे, आप बताइए। कम से कम अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाएं तो केमिस्ट्री कम से कम सिर्फ 20 बच्चा केमिस्ट्री पर ही कमेंट होना चाहिए, फिजिक्स तो 20 बच्चा के फिजिक्स पर ही होना चाहिए, बायोलॉजी आप देखो कोई बात नहीं, अब कोई कोई किसी किसी का पढ़ केमिस्ट्री पढ़ने का तो आप भी उस पर कमेंट कर जाए, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ तो पढ़ना, आपको सब चीज़ पढ़ना है ना, ऐसा थोड़ी है कोई पढ़ेगा केमिस्ट्री अब बोलो नहीं भाई मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, ऐसी बात थोड़ी ना भाई, आपको तो सब चीज़ पढ़ना, तो 20 कमेंट एक सब्जेक्ट पर होना चाहिए, तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम कम से कम 50 लाइक, 50 लाइक जरूर दोस्तों इस वीडियो पर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मैंने 8.4 का खत्म कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।